Students, let's continue with the lesson 11, the speckled band. Today we are going to study part 2 of this chapter. Let's see. Come to page number 127. Holmes spent the morning examining Mrs. Stoner's will. It means जो Holmes है, Sherlock Holmes, वो क्या कर रहे थे? अब वो आए और उसके घर पे जो क्लाइंट थी उसके घर पे आए और वहाँ पे जो उसकी मम्मा यानी कि जो स्टोनर थी, मिसेस स्टोनर जो मर चुकी थी, उनकी विल, विल ही मीन्स जायदाद, उनकी जायदाद को एग्जामिन कर रहे थे, चेक कर रहे थे. ही फाउंड आउट दैट डॉक्टर रॉयलेट वुड हैव वेरी लिटिल मनी लेफ्ट इफ द टू गर्ल्स मैरिड. तो उन्होंने एग्जामिन की तो उन्हें विल उनकी जायदाद में देखा, उन्हें पता लगा कि जो डॉक्टर रॉयलेट है अब उनके पास बहुत कम पैसा बचा है. अगर वो लड़कियाँ शादी भी करती हैं उनकी उनकी बेटियाँ तो इतना कम पैसा बचा है उनके उनको देने लायक नहीं है. ही सीम्ड टू हैव स्ट्रॉन्ग मोटिव्स फॉर प्रिवेंटिंग द मैरिजेस. मतलब ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव है यानी कि ऑब्जेक्ट गोल है कि मैरिजेस को रोकने के लिए. मतलब कि ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर रॉयलेट ही कोई चाल चल रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं. उनके पास स्ट्रॉन्ग मोटिव यानी कि पावरफुल रीज़न है कि वो उनकी शादियों को रोक सके. वी टुक द ट्रेन टू स्टॉकमोरन. फिर वो लोग स्टॉकमोरन की तरफ गए. मतलब ये सब उन्होंने जो विल चेक की मिसेस स्टोनर की वो की थी उसके वहाँ जाने उसके घर जाने से पहले ही, क्लाइंट के घर जाने से पहले ही चेक की थी. उसके बाद वो लोग स्टॉकमोरन गए, मतलब वहाँ पे उनके घर गए क्लाइंट के. व्हेन वी रीच द हाउस मिस स्टोनर वी रेफर्स टू हेयर शर्लॉक होम्स और उनके फ्रेंड वॉटसन यानी कि ऑथर. वो लोग घर गए उसके. मिस स्टोनर हरी आउट टू मीट अस. मतलब जो वो क्लाइंट थी उनकी हेलन राइट, तो वो जल्दी जल्दी बाहर आई उनसे मिलने के लिए, उन दोनों से मिलने के लिए. वी टोल्ड हर अबाउट आर मीटिंग विद डॉक्टर रॉयलट शी वॉज एस्टोनिश्ड. फिर उन्होंने वी टोल्ड मीन्स हु सेड दिस. होम्स ने कहा कि हमने उनको यानी कि उनकी क्लाइंट जो थी मिस स्टोनर हेलन को बताया कि हमसे डॉक्टर रॉयलट मिलने आए थे. तो उनको कैसा लगा? सरप्राइज यानी कि शॉक हो गई. शी वॉज एस्टोनिश्ड. एस्टोनिश्ड मीन्स सरप्राइज मतलब अच्छे वाला सरप्राइज नहीं, शॉक लगना, एकदम शॉक हो गई उनको, बहुत अजीब लगा, एकदम शॉक लगा. वी वेंट टू द बेडरूम्स टू एग्जामिन देम. फिर ये दोनों यानी कि शर्लॉक होम्स और जो उनके फ्रेंड है वॉटसन, वो दोनों गए उनके बेडरूम्स को चेक करने. होम्स पेड ग्रेट अटेंशन टू द विंडोज. होम्स ने वहाँ पे जाके रूम में जो विंडोज थी उन पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया, अटेंशन दी, वहाँ पे ध्यान दिया. देयर सीम्ड टू बी नो इमीडिएट नीड ऑफ रिपेयर्स टू मिस स्टोनर्स बेडरूम वॉल. मतलब कि वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे मिस स्टोनर के बेडरूम की जो वॉल है वहाँ पे कोई भी रिपेयरिंग की, कोई मरम्मत की कोई ज़रूरत ही नहीं थी. इट सीम्ड टू बी जस्ट एन एक्सक्यूज़ टू मूव हर फ्रॉम हर रूम. तो ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ एक बहाना था कि मिस हेलन स्टोनर को अपने रूम से शिफ्ट करने का, कि हम रिपेयर करवा रहे वॉल्स, जबकि वहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं थी. वी देन मेड आर वे टू मिस जूलिया स्टोनर्स रूम. फिर उसके बाद हम जूलिया के यानी कि जो क्लाइंट थी, जो मिस स्टोनर थी, उनकी जो ट्विन सिस्टर थी, जो डेथ जिनकी डेथ हो चुकी थी 2 ईयर्स पहले, जूलिया, उसके रूम में गए. इट सीम्ड क्वाइट ऑर्डिनरी एंड होम. वो भी बिल्कुल नॉर्मल ही लग रहा था, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी. होम्स वॉक्ड अराउंड ऑब्जर्विंग एवरी डिटेल. फिर होम्स क्या कर रहा था, क्योंकि डिटेक्टिव था तो उनकी आदत होती है कि वो चारों तरफ घूमते हैं और वो सारी चीज़ों को डिटेल करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से देख छानबीन कर रहे थे. ही वॉक्ड ओवर टू द बेड. वो बेड के पास गए, स्टेयर्ड एट इट, उसको घूरा, उसको देखते रहे. एंड गेज्ड अप एंड डाउन द वॉल. मतलब कि वो उस पर घूरते रहे, उसको ध्यान से देखते रहे और अप एंड डाउन द वॉल मतलब ऊपर नीचे देखते रहे वॉल पे. देर वॉज अ लिटिल ओपनिंग अबाउट 6 feet अबाउट द बेड. इट वॉज अ वेंटिलेटर. फिर वो बेड के ऊपर ना 6 feet की दूरी पे ऊपर की साइड एक वेंटिलेटर था, मतलब कि वो एक हवा निकलने का रास्ता था. एंड वेंटिलेटर मीन्स यू कैन सी इन द ग्लॉसरी एन ओपनिंग दैट लेट्स आउट बैड एयर एंड लेट्स इन फ्रेश एयर. जिससे क्या होता है, बैड एयर जो होती है वो बाहर चली जाए और फ्रेश एयर अंदर आ जाए. तो स्ट्रेंज सेड होम्स. ये देखकर होम्स ने कहा कि बहुत अजीब सी बात है, बहुत स्ट्रेंज है. मार्क दिस फॉर हु सेड टू हुम. स्ट्रेंज किसने कहा? होम्स ने. व्हाई शुड देयर बी अ वेंटिलेटर ओपनिंग इनटू अनदर रूम एंड नॉट द आउटसाइड. सिंपल सी बात है, जब आपका रूम में या कहीं पे भी वेंटिलेटर होता है तो वो उससे क्या होता है कि फ्रेश एयर अंदर लेने के लिए और बुरी एयर बाहर लेने के लिए होता है. बट यहाँ पे जो वेंटिलेटर था वो कहाँ खुला था? उस रूम से दूसरे रूम की तरफ खुला था, ना कि आउटसाइड की तरफ. तो ये क्वेश्चन बड़ी हैरानी वाली बात थी. तो मार्क दिस. नाउ कम टू पेज नंबर 128. द लिटिल होल लेड इनटू डॉक्टर रॉयलेट्स बेडरूम. एक छोटा सा होल था उस रूम में, वो जो होल था वो कहाँ जा रहा था? डॉक्टर रॉयलेट के बेडरूम में. देयर वाज अ लार्ज
आयरन सेफ इन द रूम. उस रूम में वहाँ पे एक बड़ी सी आयरन की यानी कि लोहे की सेफ थी यानी कि अलमारी थी. अ सॉसर ऑफ मिल्क स्टूड ऑन द सेफ. सेफ के ऊपर यानी कि अलमारी के ऊपर एक मिल्क की बॉटल कुछ रखी हुई थी. इज देयर अ कैट हेयर आज होम्स. सो मार्क दिस फॉर हू सेड टू हूम होम्स. शर्लॉक होम्स ने पूछा कि हाँ यहाँ पे कोई कैट भी रहती है. नो सेड मिस स्टोनर. तो मिस स्टोनर ने रिप्लाई किया क्लाइंट ने उनकी, नहीं यहाँ पे कोई कैट नहीं है. देर इज़ अ चीता. चीता है यहाँ पे. तो उसने कहा हु सेड दिस. मिस स्टोनर सेड दिस कि देर इज़ अ चीता. अ सॉसर ऑफ मिल्क वुड नॉट बी इनफ फॉर अ चीता. तो वो उन्होंने कहा होम्स ने कि कहते एक सॉसर एक बॉटल मिल्क की इनफ नहीं होती एक चीता के लिए. होम्स लुक क्वाइट ग्रिम. तो होम्स को कुछ अजीब लगा, बहुत अलग सा फील हुआ. ये क्या बात हुई कि लाइक मिल्क का एक सॉसर एक बॉटल रखी हुई है वो भी चीता के लिए. वो तो इसके लिए इतना इनफ नहीं होता, वो तो ज़्यादा लपीता है. ही स्पोक टू मिस स्टोनर. उसने ये बात की मिस स्टोनर से. यू मस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस केयरफुली ही सेड. हु सेड होम्स. शर्लॉक होम्स ने कहा कि आपको मेरे जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको कहूँगा वो केयरफुली फॉलो करने चाहिए. योर लाइफ में डिपेंड ऑन इट. आपकी लाइफ उसी पे डिपेंड करती है शायद. वॉटसन एंड आई विल बी इन योर रूम. हम दोनों यानी कि मैं यानी कि होम्स शर्लॉक होम्स और मेरा दोस्त वॉटसन यानी कि ऑथर वो हम दोनों रूम में रहेंगे आपके. वी विल इन्वेस्टिगेट द नॉइज़ दैट डिस्टर्बड यू. ठीक है, हम छानबीन करेंगे उस नॉइज़ की, उस आवाज़ की जिससे आपको डिस्टर्बेंस फील होता है. वी विल लीव नाउ एंड कम बैक लेटर एट नाइट व्हेन डॉक्टर रॉयलेट हैज़ गॉन टू बेड. तो अब हम चलते हैं यहाँ से. हम लोग रात में आएंगे जब डॉक्टर रॉयलेट अपने रूम में अपने बेड पर जाएंगे सोने के लिए. यू मस्ट सिग्नल टू अस विद अ लैम्प फ्रॉम योर बेडरूम विंडो. आप हमें रात को एक लैम्प जला के बेडरूम से सिग्नल देना कि कब हम अंदर आएँ. होम्स एंड आई वेटेड इन द गार्डन. देर इज़ अ डेंजर वॉटसन ही सेड. सो अब क्या हुआ कि होम्स और मैं मतलब कि होम्स और ऑथर जो थे, अब ऑथर बोल रहे हैं ना, हु इज सेइंग दिस. ऑथर ने कहा कि होम्स और मैं वेट कर रहे थे गार्डन में. ठीक है, देर इज़ अ डेंजर वॉटसन ही सेड. तो अब फिर जब वेट कर रहे थे तो गार्डन में वेट कर रहे थे तो होम्स ने वॉटसन को कहा कि यहाँ पे खतरा है वॉटसन. सो मार्क दिस फॉर हु सेड टू हूम. आई न्यू इट एज सून एज आई सॉ द वेंटिलेटर. हाँ मुझे पता है. तो होम्स को होम्स ने कहा वॉटसन को कि यहाँ पे खतरा है तो वॉटसन ने कहा कि हाँ मुझे पता लग गया था तभी जब मैंने वेंटिलेटर को देखा था जो दूसरे रूम में खुलता है ना कि बाहर की तरफ. देर इज़ समथिंग पेक्यूलियर अबाउट द बेड एज वेल. यहाँ पे कुछ अजीब भी है. पेक्यूलर मीन्स स्ट्रेंज, अजीब. तो यहाँ पे कुछ अजीब भी है बेड के बारे में भी कि कुछ बेड में भी कुछ गड़बड़ है. हैव यू एवर सीन अ बेड फिक्स्ड टू द फ्लोर होम्स. आई क्राइड. आई थिंक आई बिगेन टू सी वॉट यू आर हिटिंग एट. तो मतलब क्या हुआ अभी फिर वो वॉटसन ने कहा होम्स को कि क्या तुमने कभी किसी बेड को फ्लोर से फिक्स होते हुए देखा है? कभी भी नहीं. क्या कहते हैं आपके बेड जो होते हैं वो कभी भी फ्लोर से यानी कि ज़मीन से फिक्स नहीं किए जाते. ये कौन सी लाया होम्स. होम्स मतलब एकदम बोला होम्स नहीं जो वॉटसन था वो बोला इतनी ज़ोर से. तो वो उसके बाद बोले होम्स ने कहा कि आई थिंक आई बिगेन टू सी वॉट यू आर हिटिंग एट. मतलब कि हाँ शायद मुझे अब लग रहा है जो तुम कहना चाहते हो. समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी बात. ये किसने कही बात? ये होम्स ने कही थी. बाय दिस टाइम इट हैड बिकम डार्क. अब उसके बाद इतनी बात करते हुए रात हो चुकी थी. वी हैड बीन वेटिंग फॉर ओवर एन आवर. हम एक घंटे से वेट कर रहे थे. देन वी सॉ अ फ्लिकरिंग लाइट एट द विंडो. फिर हमने एक अनस्टेडी सी मतलब लपकपाती हुई मतलब झपकपाना लाइक कभी जलना कभी बंद होना ऐसी फ्लिकरिंग लाइट देखी विंडो पे. वी स्लिप थ्रू द ट्रीज टुवर्ड्स द हाउस. फिर हम छुप छुप के धीरे धीरे ट्रीज़ के थ्रू निकलते चले गए. हम घर की तरफ चले गए ट्रीज़ में छुप छुप के पीछे. वी सॉ द बबून बट नॉट द चीता. हमने बबून देखा लेकिन चीता को नहीं देखा. मर्सीफुली वी रिमूव्ड आवर शूज़ एंड स्लिप्ड इनटू द बेडरूम. हमने शूज़ उतारे और हम धीरे से बेडरूम में चले गए. वॉट एवर यू डू वॉटसन डोंट गो टू स्लीप सेड होम्स. तो उसने कहा होम्स ने कि मार्क दिस फॉर हू सेड टू हूम. होम्स ने कहा वॉटसन से कि कुछ भी करना लेकिन तुम सोने मत चले जाना होम्स. राइट सोने मत चले जाना वॉटसन. होम्स ने कहा ये बात. योर लाइफ में डिपेंड ऑन इट. तुम्हारी ज़िंदगी भी इस बात पे डिपेंड करती है. कीप योर रिवॉल्वर रेडी. अपनी बंदूक अपनी रिवॉल्वर रेडी रखना. यू सिट इन द चेयर एंड आई विल बी ऑन द बेड.
तुम चेयर पे बैठना और मैं बेड में होऊंगा। उसने इसलिए कहा होगा अपने दोस्त वॉटसन को ये कि सोना मत, यानी कि कुछ भी हो, अब रात हो रही थी, इतनी रात को नींद तो आएगी ना, बट ये कहा दोस्त को कि तुम कुछ भी हो बैठे रहना चेयर पे, मैं बेड पे बैठूंगा, तुम सोना मत। आई टुक आउट माई रिवॉल्वर एंड होम्स प्लेस्ड अ लॉन्ग थिक स्टिक इन द बेड। फिर क्या हुआ, आई रेफर्स टू हेयर, आई क्या है, आई यहाँ पे कौन है, आई यहाँ पे वॉटसन है। वॉटसन ने कहा मार्क दिस फॉर हु सेट टू हुम, नहीं फॉर हु सेट टू हुम नहीं, बट ये यहाँ पे आए कौन है आपके वॉटसन, यानी कि ऑथर। ऑथर ने कहा कि मैंने अपनी रिवॉल्वर निकाली, मतलब उसको रेडी रखा, और होम्स ने क्या किया, अपने बेड पे जाके लॉन्ग थिक थिन पतली सी एक डंडी यानी कि स्टिक छुपा ली। ही ऑल्सो केप्ट अ बॉक्स ऑफ मैचेस हैंडी, मीन्स उसने क्या किया, एक अपने पास हैंडी मीन्स अपने पास जो मैचेस यानी कि जो माचिस होती है ना तिल्ली, और मैच बॉक्स, ठीक है, वो रेडी रखा ताकि कुछ भी ऐसा हो तो हम आग लगा सकें, अपने हाथ में रखी। वी वेटेड इन द डार्कनेस फॉर वी नो वॉट टू एक्सपेक्ट, हमने रात को अंधेरे में वेट किया क्योंकि हमें कुछ एक्सपेक्ट हो रहा था कि कुछ तो होगा। आई शैल नेवर फॉरगेट दैट ड्रेडफुल नाइट, मैं कभी वो गंदी सी बहुत ड्रेडफुल फेयरफुल डरावनी रात नहीं भूल सकता। हु इज़ आई हेयर, आई इज़ वॉटसन, तो वॉटसन ने बताया कि वो बहुत भयानक बहुत डरावनी रात थी। ड्रेडफुल मीन्स फेयरफुल। As we sat in the dark room, we heard the screech of an owl and the kite-like whine of the cheetah. Means जैसे कि हम उस अंधेरे में उस डार्क रूम में बैठे हुए थे, हमने बहुत तेज एक अजीब सी बहुत स्क्रीच मीन्स अ हार्श हाई श्रीक, यानी कि हमने बहुत गंदी सी बहुत तेज़ चीखने की मतलब कुछ अजीब सी आवाज़ सुनी एक आउल की। आउल की आवाज़ तो अजीब सी होती है ना, वो बहुत अजीब अजीब आवाज़ निकालते रात को, तो आउल की आवाज़ सुनी और एक काइट लाइक वाइन ऑफ द चीता। हमने वाइन मीन्स टू मेक अ लॉन्ग हाई साउंड, बहुत लंबी जैसे कैट आवाज़ निकालती है, तो उसी तरह से कुछ चीते ने भी कुछ अजीब सी लॉन्ग वॉइस निकाली, वो वॉइस सुनी। हाउ लॉन्ग द नाइट सीन्ड, रात कैसी थी, रात बहुत डरावनी थी। देन अ ग्लीम ऑफ लाइट शोन थ्रू फ्रॉम द वेंटिलेटर, ग्लीम मीन्स अ फेंट लाइट, एक अजीब सी हल्की फुल्की लाइट हमें वेंटिलेटर से दिखाई दी। इट वैनिश्ड ऑलमोस्ट एट वंस, वो एक ही बार में बंद हो गई। समवन हैड लिट अ लैम्प इन द नेक्स्ट रूम, किसी ने दूसरे रूम में एक लैम्प जलाया था। देर वॉज अ सडन जेंटल साउंड ऑफ मूवमेंट एंड देन नथिंग, एकदम से कुछ हल्की सी आवाज़ हुई थी, उसके बाद कोई आवाज़ या कोई मूवमेंट नहीं हुआ था। तो कौन से रूम में थे वो लोग, वो लोग थे मिस जूलिया यानी कि जो उस क्लाइंट थी उसकी सिस्टर के रूम में थे, और क्या कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेटर था और उसी रूम में उसकी सिस्टर की जूलिया की डेथ हुई थी, सो उस रूम को एग्जामिन कर रहे थे वो लोग। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 129।
Then it came again, a soothing hissing sound like that of a small jet of a steam escaping from a kettle. मतलब कि फिर से कुछ आवाज़ आई. Soothing hissing sound means quiet sound made by snake. जो snakes करके आवाज़ निकालते हैं ना, ऐसी कुछ आवाज़ आई जैसे कि कोई small jet, यानी कि जो ऊपर से जब small jet जाता है, आपने देखा होगा वो बहुत अजीब सी आवाज़ निकाल के जाता है ना, हल्की हल्की, तो ऐसे आवाज़ आई जैसे कोई छुप रहा हो कुछ. एज सुन एज वी हर्ड इट, होम स्प्रैंग अप फ्रॉम द बेड, स्ट्रक अ मैच एंड लैश्ड फ्यूरियसली विद हिज स्टिक एट द बेड. उसने क्या किया, लैश्ड फ्यूरियसली मीन्स एंग्रीली, गुस्से में. जैसे ही वो आवाज़ आई तो जैसे ही होम्स ने वो आवाज़ सुनी, वो एकदम से बेड से कूदा, एकदम उठा. उसने बहुत मैच को आई थिंक जलाया और बहुत तेज़ एक स्टिक बेड से उठा के मारी. वॉटसन ही शाउटेड, डिड यू सी इट. तो वो चिल्लाया, यानी कि होम्स चिल्लाया कि क्या तुमने देखा था. आई सॉ नथिंग एक्सेप्ट that Holmes' face was full of disgust and horror. तो उसने स्टिक इसलिए उठाई थी ताकि वो अगर कुछ हो तो वहाँ पे अंधेरे में चला जाए, हाथ पैर मारने से, मतलब ये स्टिक उठाने से, अंधेरे में तीर चलाना जिसे कहते हैं. तो वो बोला, वॉटसन ने कहा, नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन सिर्फ इतना देखा कि तुम्हारा फेस, यानी कि होम्स का जो फेस था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ और बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, गुस्से में. ही लुकड अप एट द वेंटिलेटर. फिर उन दोनों ने, उसने ऊपर देखा वेंटिलेटर पे. ऑल एट वंस वी हर्ड अ हॉरिबल साउंड. एक बार के लिए बस हमें एक अजीब सी गंदी सी हॉरिबल डरावनी साउंड सुनाई दी थी. दैट वॉज अ क्राई ऑफ एंगर, फियर एंड पेन. वॉट इज़ इट, आई गैस्प. तो वो बोले कि चिल्लाने की पेन में दर्द भरी आवाज़ थी. क्या था वो, आई गैस्प. गैस्प मीन्स सैड इन सरप्राइज. मैंने टेंशन में कहा, सरप्राइज में, टेंशन में कहा, शॉक होके. टेक योर रिवॉल्वर वॉटसन, होम्स ने कहा कि अपनी, मार्क दिस फॉर हू सेट टू होम, अपनी रिवॉल्वर उठाओ. वॉटसन, इट इज़ ऑल ओवर, सब खत्म, अब सब हो गया ओवर. लेट्स गो इन टू डॉक्टर रॉयलेट्स रूम. चलो हम डॉक्टर रॉयलेट के रूम में चलते हैं. अ ड्रेडफुल साइट मेट आर आइज व्हेन ही एंटर्ड द रूम. तो जैसे ही वो उसके रूम में गए डॉक्टर रॉयलेट के, तो उन्होंने एक बहुत बुरा, बहुत बुरी चीज़ देखी अपनी आँखों से, बहुत डरावनी चीज़ देखी अपनी आँखों से. अ लाइटेड लैम्प स्टूड ऑन द टेबल. एक लैम्प था जला हुआ, टेबल पर रखा हुआ था. द आयरन सेफ वॉज ओपन. जो उसकी कवर थी, सेफ थी, यानी कि किसकी, डॉक्टर रॉयलेट की, लोहे की, वो खुली हुई थी. डॉक्टर रॉयलेट सैट ऑन अ चेयर. डॉक्टर रॉयलेट किस पे बैठे थे, चेयर पे बैठे हुए थे. हिज आइज वर वाइड ओपन. उसकी आंखें खुली हुई थी, बहुत बड़े बड़ी आंखें खुली हुई थी, बहुत बड़े तरीके से, मतलब पूरी आइज ओपन थी. अ पेकुलर येलो बैंड वॉज वाउंड राउंड हिज हेड. एक येलो कलर का पेकुलर बैंड उसके उसके जो यू नो उसके माथे पे, उसके हेड पे बंधा हुआ था. इट हैड ब्राउनिश स्पेकल्स ऑन इट. उस पर ब्राउन कलर के कुछ स्पेकल्स थे. इन स्पेकल्स मीन स्मॉल मार्क्स, ठीक है. उसमें कुछ, उसके वहाँ पे कुछ ब्राउन ब्राउन स्पेकल्स थे, मार्क्स थे. द बैंड, द स्पेकल बैंड, एक्सक्लेम्ड होम्स. फिर कौन चलाया ये, होम्स ने कहा. ओ माय गॉड, ये तो बैंड है, द स्पेकल बैंड. तो वो एकदम चिल्लाया. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 130. I stepped forward and saw the band move. मैं आगे बढ़ा और मैंने बैंड को हिलते हुए देखा. A flat diamond shaped head rose slowly. और एक flat, बिल्कुल flat diamond shape में एक आप एक head rose, head पे rose देखा चलते हुए. It was a snake. वो एक snake था. It was the swamp adder. Swamp adder, you can see in the glossary, a small poisonous snake found in marshy lands. वो marshy lands पे पाया जाता है. एक बहुत जहरीला snake था वो, जो जो band जिसको band हमें जो हमें बैंड लग रहा था दिखने में, उसके ऊपर ब्राउन कलर के कुछ मार्क्स थे, वो उसके ऊपर था, मतलब हेड पे राउंड राउंड बैठा हुआ था, गोल बैंड बना हुआ था, बंधा हुआ था. वो किसके सिर पे, डॉक्टर रॉयलेट के सिर पे था. तो बाद में पास जाके देखा तो वो तो एक स्नेक था, बहुत जहरीला स्नेक. ये किसने कहा, होम्स ने. मार्क दिस, इट इज़ द स्वैम्प एडर सेट बाय होम्स, द डेडलिस्ट स्नेक इन इंडिया. सबसे खतरनाक खतरनाक, सबसे ज़्यादा खतरनाक, जिसे डेथ हो जाती है, जिसके काटते ही ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, एक ऐसा स्नेक है इंडिया में. तो डॉक्टर रॉयलेट इज़ डेड. डॉक्टर रॉयलेट की डेथ हो चुकी थी. ही मस्ट हैव डाइड इंस्टेंटली. एकदम से शायद वो मर चुके हैं उसके काटते ही. वी मस्ट किल इट एंड देन इन्फॉर्म द पुलिस. हमें स्नेक को मारना चाहिए और मारने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए. होम्स स्ट्रक द स्नेक विद द स्टिक. तो होम्स ने उस स्नेक को स्टिक से मारा. ही ब्रोक इट्स बैक. उसकी बोन, उसकी बैक, उसकी कमर बिल्कुल तोड़ दी थी उस स्नेक की होम्स ने. टॉस्ड इट इनटू द सेफ एंड क्लोज्ड इट. तो फिर उसको उसने वो मारने के बाद स्टिक से एक सेफ में, कबर्ड में ही फेंक दिया उठा के, और उस सेफ को, उस कबर्ड को बंद कर दिया. वी टुक मिस टोनर टू हर आंट्स हाउस. हम फिर मिस टोनर को, मतलब कौन, दोनों, वी मीन्स वॉटसन एंड जो वो था होम्स, वो दोनों मिस टोनर यानी कि उनकी क्लाइंट को उनकी आंटी के किसी के भी घर ले गए. ऑन आर वे बैक होम, जब हम वापस आ रहे थे अपने घर, होम्स टोल्ड मी दैट द लिटल होम्स टोल्ड मी द लिटल आई डिड नॉट नो ऑफ द केस.
जब हम वापस आ रहे थे तो होम्स ने मुझे बताया कि मुझे उस केस के बारे में नहीं पता था. द वर्ड बैन मिजल्ड मी एट फर्स्ट. मिजल्ड मीन्स कॉज टू बिलीव समथिंग नॉट ट्रू. जो बैन था उस बैन वर्ड से मुझे यकीन नहीं हो रहा था पहले. मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ होगा भी सच में. बट व्हेन आई सॉ द वेंटिलेटर एंड द फिक्स्ड बेड, जब मैंने वो वेंटिलेटर देखा और फिक्स्ड बेड देखा फ्लोर से, तब मुझे रियलाइज हुआ, आई रियलाइज दैट समथिंग पास थ्रू द होल एंड केम टू द बेड. तब मुझे रियलाइज हुआ कि उस होल से, उस वेंटिलेटर के थ्रू कुछ चीज़ आती है यहाँ पे बेड पे. आई थॉट, क्योंकि बेड फिक्स किया हुआ था, वेंटिलेटर ऊपर था, वहाँ से होल था, वो भी दूसरे रूम में, तो दूसरे रूम से वो स्नेक पास करता होगा, वो छोड़ता होगा, कबर्ड खोल देता होगा और वो स्नेक सीधा जाके उस होल में से, एक ही होल था, वो इस रूम में आ जाता होगा. और आके कहाँ गिरता है, जहाँ पे जगह थी और वेंटिलेटर के जस्ट नीचे बेड को फिक्स किया गया था परमानेंटली, ताकि वहाँ से वो बेड हिले ना, कोई हटाए ना. तो वो स्नेक आके बेड पे आता होगा और बेड पे जो भी होता होगा उसको मार देता होगा काट के. तो ऐसे ही उसने प्लान किया हुआ था. लेकिन क्योंकि वो होम्स ने वो स्टिक से मारा था उस टाइम पे अंधेरे में, तो वो स्नेक वापस से उस रूम में चला गया होगा और उसने जाके डॉक्टर रॉयलट को ही किल कर दिया. आई थॉट एट वंस ऑफ अ स्नेक. मुझे लगा एक बार स्नेक के बारे में. ही विसल्ड व्हेन ही वांटेड टू कॉल द स्नेक आउट. वो उसने आवाज़ निकाली जब उसे फेंकना चाहते थे. ही हैड ट्रेंड इट बाय ऑफरिंग इट मिल्क. उसने उसको ट्रेन किया हुआ था, डॉक्टर रॉयलट ने उसको मिल्क ऑफर कर करके वो उसके इशारों पर चलता था. ही सेंट इट थ्रू द वेंटिलेटर नोइंग इट वुड लैंड ऑन द बेड. वो उसको वेंटिलेटर के थ्रू पास करवाता था स्नेक को, और फिर वो उसके बाद कहाँ उतरता था, बेड पे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. वी न्यू दैट वाइल इट वॉज पॉसिबल दैट द गर्ल माइट एस्केप एवरी नाइट फॉर अ वीक. ये हो सकता था पॉसिबल कि वो लड़की जो थी, वो क्लाइंट, वो हमेशा हर मतलब एक हफ्ते के लिए उस एक हफ्ते के लिए रात को वहाँ से छुपती निकलती होगी, वहाँ सोती नहीं होगी. वन डे इट वुड बाइट हर. अगर वो वहाँ से ना बचती उस रूम से तो रात को तो वो उसको काट सकता था. व्हेन द स्नेक केम डाउन टुवर्ड्स द बेड आई हर्ड इट हिस एंड आई अटैक्ड एट वंस. जैसे ही ये कौन कह रहा है, ये व्हाट्स वो होम्स कह रहा है कि वो जब स्नेक नीचे आया उसकी आवाज़ आई बेड पे आते हुए हिस करके, तो मैंने एक बारी में अटैक कर दिया. तो मुझे लगा था, कुछ लगा था कि शायद स्नेक है. व्हेन इट वॉज हर्ट इट वेंट बैक थ्रू द वेंटिलेटर एंड अटैक्ड द फर्स्ट पर्सन इट सॉ. द पर्सन हैपन टू बी डॉक्टर ग्रिम्सबे रॉयलेट. तो जब इसने होम्स ने कहा कि जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी, मैंने एकदम से अटैक कर दिया बिना सोचे समझे कि क्या होगा. लग तो रहा था स्नेक होगा, मैंने फटाफट से वो स्टिक से अटैक कर दिया अंधेरे में. तो जब उसको हर्ट हुआ, मतलब उसको बहुत तेज़ स्टिक लगी, तो वो वापस से उस होल के थ्रू उस दूसरे रूम में चला गया वेंटिलेटर के थ्रू, और वहाँ पे जाके जो उसको पहला पर्सन दिखाई दिया उसने उसको ही काट लिया. एंड वो पर्सन बाई चांस कौन था, डॉक्टर रॉयलट थे. सो इस तरह से डॉक्टर रॉयलट की डेथ हो गई. तो आपको पता लग गया होगा कि स्पेकल बैंड क्यों कहा है, क्योंकि वो बैंड की तरह लग रहा था स्नेक, एक्चुअल में वो स्नेक था, पॉइजनस स्नेक, जिससे डेथ हुई थी. तो ये सब प्लानिंग थी डॉक्टर रॉयलट की, सो दैट उसको वो पैसे जो उसकी वाइफ से उसको मिले थे, वो अपनी उसकी जो स्टेप डॉटर्स थी यानी कि सौतेली बेटियां, उनको ना देनी पड़े. एक को वो ऑलरेडी मार चुका था, बट इसको शक था जो ये दूसरी लड़की थी, तो इसने ये डिटेक्टिव हायर किए और उनसे ये सब चेक करवाया. सो इट वॉज द इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड दिस वॉज द लास्ट, सेकेंड एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो नाउ हियर वी हैव कम्प्लीटेड आवर चैप्टर.